हम लोग कंटिन्यूटी, इसकी डिफिनेशन और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ये हम लोगों ने किया था, और उसी से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है जिनको हम लोग करेंगे। तो अभी जो कंटिन्यूटी का वर्क किया गया उसमें ये देखा गया कि यदि उसमें जो फंक्शन है उसका रेंज यदि दिया रहता है तब तो उसका हम कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, ये वर्क हम लोगों ने कर लिया है। और वैसे भी जिसका रेंज न दिया हो उसके लिए भी हम लोग लिमिट निकालना मालूम है। तो जब लिमिट निकालना दोनों केस में, रेंज हो तो न हो तो, दोनों स्थितियों में लिमिट निकालना हमको मालूम हो गया, तो किसी भी फंक्शन का चाहे उसका रेंज दिया हो या न दिया हो, जिस पर कंटिन्यूटी पूछा जा रहा है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और राइट हैंड लिमिट निकाले, वो दोनों केस का लिमिट निकालना हमको पता है, रेंज दिया हो तो न दिया हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, राइट हैंड लिमिट निकाल लें, और उस फंक्शन की उसी पॉइंट पर जिस पे कंटिन्यूटी देख रहा है उस पर वैल्यू निकाल लें। तो ये तीनों जब इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन जो होगा उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माड ऑफ एक्स प्लस माड ऑफ एक्स माइनस वन, ये फार आल का सिंबल है, फार आल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन। हमको एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन दोनों पर कंटिन्यूटी दिखानी है। तब यानी जीरो पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, और जीरो पर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा। यदि ये तीनों एग्जिस्ट करे और तीनों इक्वल हो जाए तब हमारा फंक्शन जो होगा जीरो पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब जीरो पर हमको और यही वर्क हमको वन के लिए, वन पर लेफ्ट हैंड आए राइट हैंड लिमिट और वन पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों इक्वल हो जाए तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वन पर कंटिन्यूअस है। तब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि जीरो पर पहले, तो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो अभी देखेंगे कि उसका रेंज दिया है या नहीं दिया। तो यहाँ जब भी माड में वैल्यू दी जाए तो उस फंक्शन को हम पहला काम में करते हैं कि उसको माड से हटाते हैं, और लिमिट में भी इस तरह का एक क्वेश्चन किया गया है। फिर इसको यहाँ देखें तो हम माड को कैसे हटाएंगे इस बात को एक बार देखें। तो इसके रेंज के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्स जीरो से लेस हो तो वो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, और जीरो से ग्रेटर हो तब वो हमारा राइट हैंड लिमिट देगा। वैसे वन से लेस हो तो वन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और वन से ग्रेटर हो तो वन के लिए राइट हैंड लिमिट। तो हम ये देखें कि फंक्शन ये एफ एक्स यदि जीरो से लेस हो, क्योंकि जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है, तो जीरो से लेस पर जो आएगा फंक्शन की वैल्यू वही लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज होगा। तब तो हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू ये लिखते हैं कि इफ एक्स इज लेस देन जीरो, तब हमारा जो एफ एक्स होगा उस एफ एक्स का मान कैसे हटावे इसकी वैल्यू, इसको आप देखें। तो अब आप देखेंगे कि एक्स की जो वैल्यू आया तो इस एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारा जब लेस देन जीरो रहेगा तब यह क्या देगा, इस पे हम लोग को ये करना है। तो माड यदि माड में है, माड को हमको हटाना है, तो माड का सेंस यह होता है उसकी पॉजिटिव वैल्यू का, यानी यदि थ्री है तो उस पर माड लगावे तो और माड न लगावे तो उस पर कोई फर्क नहीं, माड का सेंस पॉजिटिव वैल्यू से है। तो अब हम देखें कि माड में यदि पॉजिटिव कैसे आवे, तो पॉजिटिव रहेगा तब हम माड हटा लेंगे। तब आप देखेंगे कि यह एक्स है और यहाँ एक्स की वैल्यू को हम लोगों ने लिया लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव। तो जब यह निगेटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, तो अब माड है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो अब ये माड हट जाए तो ये पॉजिटिव वैल्यू आवे, ये तभी होगा जब इसकी वैल्यू माइनस एक्स लिखेंगे। अब देखें ये माड एक्स पॉजिटिव है, जब भी माड लगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया, और एक्स लेस देन जब जीरो लिए हैं तो एक्स की वैल्यू निगेटिव हुआ। तो जब जैसे हमारा माइनस टू है ये निगेटिव वैल्यू है, तो
तो ये प्लस को देगा, जब इसके पहले एक बार फिर माइनस लेना है तब ये हमारा प्लस हो गया, और जब प्लस आ गया यह टू तब इसमें आप माड लगावे या माड हटा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ये देखते हैं कि माड हटे तो हम क्या वैल्यू रखें जिससे वो पॉजिटिव दे, तो जब पॉजिटिव आ गया तो माड हट जाएगा। तो यही वर्कअप हम यहाँ किए। तो ये केस ले रहे हैं कि जब एक्स की वैल्यू आपका जीरो से लेस हो, तो जीरो से लेस का मतलब निगेटिव, तो यह एक्स स्वयं निगेटिव है, तो जब उसके पहले माइनस लगाएंगे तब तो वो पॉजिटिव होगा, क्यों? और जब ये पॉजिटिव हो गया तो आप माड लिखें न लिखें कोई फर्क नहीं। तो ये आ गया। अब दूसरे को आप देखें, ये हमारा एक्स माइनस वन है, यहाँ तो सिर्फ सिंगल वैल्यू था, यहाँ हमारा ये दो का डिफरेंस है। तो अब हमें देखते हैं कि ये दोनों में जो वैल्यू ग्रेटर रहे उसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और जो पॉजिटिव रहेगा तब आप माड हटाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखें कि यह एक्स जीरो से लेस है, ये जीरो से लेस है, और यह वन ये जीरो से ग्रेटर है, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो वन है। तो इसलिए यदि हमको यह टू माइनस थ्री हो तो इसकी वैल्यू माइनस वन यह माड में, और जब माड हटाएंगे तो ये प्लस वन। अब यदि हमको माड में, तो माड में टू माइनस थ्री करें चाहे थ्री माइनस टू करें, तो जब माड को हटाना होता है तो हम इसमें से बड़े वाले को थ्री माइनस टू रखेंगे तो ये हमारा माड नहीं लगाना पड़ेगा। तो माड को हटाना हो तो बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करें जिससे पॉजिटिव वैल्यू दे, और जब पॉजिटिव आ जाएगा तो माड हट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव के सेंस में ही माड आता है। तब यहाँ एक्स और वन इस माड में है तो इसको वन माइनस एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स माइनस वन भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे? तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तब हमारा इसमें बड़ा है वन और छोटा है एक्स, तब इसको लिखेंगे वन माइनस एक्स। अब यह वन माइनस एक्स लिखा तो यह स्वयं निगेटिव है और ये निगेटिव है तो प्लस हो गया, और तब ये दोनों प्लस हो गया तो ये हमारा प्लस आ गया। तो जब ये प्लस आ गया तब हमारा माड की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से हम माड हटाने के लिए क्या करेंगे, इस सेंस को आप समझिए कि हम यही देखते हैं कि उसमें क्या वैल्यू, या आप ये समझें कि दो का डिफरेंस है, इसको भी यदि ऐसे न लिखे तो जैसे आपका माड आप एक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब एक्स माइनस जीरो, तो जब हमें देखेंगे कि दोनों में ग्रेटर कौन है, माड हटाएंगे तो जो ग्रेटर रहेगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे तो माड हट जाएगा। तो चूंकि इसमें एक्स निगेटिव है तो यह निगेटिव, इस केस में एक्स निगेटिव है तो ये निगेटिव है और ये जीरो है, इसका मतलब जीरो बड़ा है। तब इसको हम लिखेंगे, जब माड हटाएंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएं, तो यह जीरो माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स, वही लिखा गया। तो इससे किसी के लिए हो गया, एक हुआ तो जैसे हमारा यह सिंगल एक ही था, ये हमारा दो का डिफरेंस था, तो जो सिंगल भी है उसको माइनस जीरो कर लेंगे तो वो भी दो का डिफरेंस आ गया, और जब दो का डिफरेंस है तो माड हटाने के लिए सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ये एक्स निगेटिव है और जीरो निगेटिव से बड़ा है, इसलिए जीरो माइनस एक्स। अब बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो माड खत्म, तो माड क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जो पॉजिटिव आया तो वही हमारा माड का सेंस हुआ, माड पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यही वर्क आपको माड हटाने पे, तो यानी ये वैल्यू आ गया आपका यहाँ से वन माइनस टू एक्स, यानी जब एक्स लेस देन जीरो हुआ तब यह एक्स की वैल्यू वन माइनस टू एक्स। और फिर दूसरा एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमको जीरो पर कंटिन्यूटी देखना है, तो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू और जीरो पर राइट हैंड लिमिट, तो एक्स जीरो, तो जब जीरो करेंगे तो ये माड में जीरो है तो ये जीरो ही दिया, तब यह एफ एक्स इज इक्वल टू माड ऑफ जीरो और प्लस ये जीरो माइनस वन दैट इज ये जीरो ही हो गया, और इसको वन माइनस जीरो करेंगे, माड हटाएंगे तो वन माइनस जीरो,
और 1 - 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारा 0 से लेस के लिए वैल्यू हो गया, ये 0 पर हो गया, और हम 0 से ग्रेटर के लिए देखेंगे। तो एक्स यह 0 से ग्रेटर हो, लेकिन एक बात को और ध्यान रखना है, अब इसमें 0 से ग्रेटर तो आपका इनफाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन हमको यह 1 पर भी कंटिन्यूटी देखना है, इसलिए 1 से जब लेस रहेगा तो 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा, तब हम इसको वैल्यू रख दें कि यह 0 से ग्रेटर हो लेकिन 1 से लेस हो। तो जब 1 से लेस होगा तो ये दोनों वर्क करेगा, 0 से ग्रेटर एक्स होगा तो 0 के लिए राइट हैंड लिमिट, और 1 से लेस होगा तो यही आपका एफ एक्स 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तब आप एफ एक्स निकालें तो यह एफ एक्स, तो एफ एक्स ए एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो जब एक्स 0 से ग्रेटर इसका मतलब पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो उसको पार्ट में रखे तो और न रखे तो यह एक्स हो गया, पॉजिटिव है इसलिए मार्ट हट जाएगा। अब यहां से देख रहे हैं कि यह एक्स आपका 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, तो जब मार्ट हटेगा तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो यह 1 - x ऐसा बन गया। ए मार्ड में तो एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 1 - x भी लिख सकते हैं, तो मार्ड हटाएंगे तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तब पॉजिटिव देगा, तो यहाँ से 1 - x, अब x और x कैंसिल, यह 1 ये आ गया। तो 1 पर ए राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, अब 1 पर वैल्यू चाहिए, दोनों पर पूछ रहा है, इसलिए 0 से कम तो 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर 0 पर और 0 से ग्रेटर, तो हमारा 0 का लेफ्ट, 0 पर वैल्यू और राइट, तीनों आ गए। अब यह 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 पर वैल्यू और फिर 1 से ग्रेटर के, तब आपका यह x इक्वल टू 1 इस पर एफ एक्स, तो x इक्वल टू 1 तो मॉड ऑफ 1 और प्लस मॉड ऑफ 1 - 1, तो चूंकि ये मॉड में है और 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में मॉड को हटा सकते हैं, तब यह वैल्यू 1 आ गया, और यह 1 - 1 0, तो 0 को मॉड हटाएंगे तो 0, तो यानी हमारा 1 ही रह जाएगा। अब हम वैल्यू देखेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, अब यह 1 से ग्रेटर हो जाए, तो 1 से ग्रेटर हो जाए तो यह एफ एक्स, अब आप देखें x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू में मॉड हटा दे गया, तो यानी यह x पॉजिटिव है तो मॉड हट गया। इसके बाद ये वैल्यू आया, तब यह x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो जो बड़ा रहेगा मॉड हटाएंगे तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, ये जो हमने किया तो 1 ग्रेटर था तो 1 में से x को घटाए, लेकिन यहाँ x आपका ग्रेटर है इसलिए मॉड हटेगा तो बड़े वाले से छोटे वाला सबट्रैक्ट होगा, तब ये वैल्यू हमारा 2x - 1 ऐसा है। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू फाइनली जो हमको मिला वो एफ एक्स, इसकी वैल्यू आया यह लेस देन 0 पर 1 - 2x इफ एक्स लेस देन 0, और फिर यह इसकी वैल्यू 0 पर जो आया वो 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 1, और 1 आया एक्स ये 1 ये लिए है 0 पर इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक तो है, ठीक है। अब अगले को हम देखेंगे इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, तब इसकी जो वैल्यू आया वो आपका फिर 1, यह 1, और इसी की वैल्यू इक्वल टू 1 पर, इक्वल टू 1 पर 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 1, और फिर 2x - 1 हुआ इफ एक्स ग्रेटर देन। अब हमारा ये रेंज बट गया, इसके पहले इस क्वेश्चन में मार्ड लगा था तो रेंज नहीं बटा था, अब रेंज बट गया, इसका लिमिट निकालना हमको पता है, अब काम आपका आसान हो गया। देखिए कैसे करेंगे, देखना है
तो अब हम क्या करें कि एफ जीरो माइनस जीरो, ये जो पहला रहता है उस पर लिमिट, और जब माइनस जीरो रहता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब प्लस जीरो रहेगा तो उसी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जीरो ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जब जीरो से कम हो तो क्या है उसी को लिखना है। तब हम देख रहे हैं कि जीरो से कम हो तब इसकी वैल्यू यह लिमिट, तब यह वन माइनस टू एक्स कैसा है। और जब इस जीरो से कम के लिए एफ एक्स रख दिया गया तो यह माइनस जीरो का काम हो गया, अब हमारा केवल एक्स टेंस टू जीरो। अब यहाँ जीरो जब लिखेंगे तब ये वैल्यू हमारा यह वन माइनस टू इंटू जीरो दैट इज वन, यानी जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट वन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जीरो पर राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब यह लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस जीरो ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर रहे तो एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर रहे तो एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर रहे तब वन, तब यह वैल्यू वन। तो चूंकि इसमें एक्स रहता तब एक्स टेंस टू जीरो हम लिखते, इसमें यक्ष है ही नहीं तो यक्ष कोई वैल्यू रहे वह नहीं है। तब आपने देखा कि जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन, राइट हैंड लिमिट भी वन, और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी वन। तो दिस इंप्लाई एफ जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो, तीनों वन ही है। तो जब तीनों इक्वल आ गया इसका मतलब ये फंक्शन हमारा जीरो पर कंटिन्यूअस हो गया। तो दिस इंप्लाई एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो पर कंटिन्यूअस होगा ये हम लोगों ने देख लिया। अब सेम वैसे ही हम वन पर देखेंगे, तो वन पर देखिए तो उसके लिए वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट और वन पर राइट हैंड लिमिट ये दोनों निकाले। एफ वन माइनस जीरो, जिस पर लिमिट निकालना है वो पहले रहेगा, और लेफ्ट करना होगा तो माइनस जीरो, राइट करना होगा तो प्लस जीरो। तो यहाँ से यह लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस जीरो, यानी वन से कम रहे एफ एक्स, तो यह वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू वन। अब एफ एक्स की वैल्यू वन से कम रहे तो क्या है, तो एक्स की वैल्यू जब वन से कम है तब एफ एक्स की वैल्यू वन, तो यह वन। तो इसमें एक्स नहीं है इसलिए हमारा यही आ जाएगा, एक्स रहता तो उसकी जगह वन रखते। अब हम वन पर राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो यह लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस जीरो आप एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स है उसमें एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर हो तो क्या होगा वो हम लिखेंगे। तो यह लिमिट एक्स टेंस टू वन और एफ एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर, एक्स की वैल्यू जब वन से ग्रेटर है, वन से ग्रेटर है एक्स, तो टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन ऐसा है। अब एक्स की वैल्यू को हम रख दें तो यहाँ से यह टू इंटू वन माइनस वन, तो यह टू हुआ और वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन ऐसा आ गया। तब हमने देखा कि वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन, वन पर राइट हैंड लिमिट भी वन, और वन पर हमारा जो वैल्यू है फंक्शन का एक्स इक्वल टू वन पर वो भी वन, तो तीनों ही फल हो गए। तो यानी यह वन माइनस जीरो इक्वल टू यफ वन प्लस जीरो इज इक्वल टू यफ वन, एंड दिस इंप्लाई फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन ऐसा। तो इस तरह से ये हमने यह एक क्वेश्चन जो मार्ड में था उसको कैसे करेंगे ये करना हम लोगों ने समझा। फिर उसी मार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन की वैल्यू दी गई है
और ये बल है ये मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स, मॉड केवल ऊपर है, मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स, ये वैल्यू तब है जब एक्स की वैल्यू जीरो ना हो, यानी यह जीरो ना हो उस स्थिति में इसकी वैल्यू, जैसे यदि हमारा जीरो ना हो, यदि वन हो तो इसका मतलब मॉड ऑफ वन अपान वन, यदि ये माइनस वन हो तो मॉड ऑफ माइनस वन अपान माइनस वन, यानी जब जीरो नहीं होगा तो जो वैल्यू रहेगा उसी का मॉड अपान डिनोमिनेटर में मॉड नहीं, लेकिन जब जीरो है तब इस फंक्शन की वैल्यू इससे नहीं निकालना है, वो फंक्शन में दिया कि है कि जब जीरो नहीं है तब इस फंक्शन की वैल्यू ऐसा है और जब जीरो है तब वन है। यदि ऐसा फंक्शन हो तो वह ओरिजिन यानी एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस होगा, ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले मॉड रहे तो उस मॉड को हटाते हैं, तब हमको रेंज मालूम होता है। तो अब देखें उसी का मॉड हटाना अभी हम लोगों ने समझा है, तो जीरो पर हमको दिखाना है कंटिन्यूटी। तो जीरो पर लेफ्ट हैंड यानी जीरो से कम एक्स हो तब एफ एक्स क्या होगा, और जीरो पर तो ऑलरेडी दिया है, और जीरो से ग्रेटर रहे तब क्या आएगा ये हमको दिखाना है। तो इफ एक्स लेस देन जीरो देन एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी एफ एक्स की वैल्यू देखें, एक्स की वैल्यू जब ए लेस देन जीरो है तो इसकी वैल्यू लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो पर नहीं डिपेंड है, ये यदि जीरो नहीं है तब और जीरो है तब, तो जब लेस देन जीरो होगा इसका मतलब निगेटिव, तो उस स्थिति में भी ये जीरो नहीं है, जीरो से छोटा है, तो जब जीरो नहीं है तब हमारा इसकी वैल्यू यह आएगा, तब इफेक्ट जो हुआ वो मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स ऐसा आएगा। अब हमको मॉड को हटाना है, तो मॉड को हटाने का मतलब ये है अब एक्स निगेटिव है तो ये तो जो है इसमें चूंकि मॉड नहीं हटाना है तो जो है वही है, लेकिन मॉड हमको इसको हटाना है, तो जब ये निगेटिव है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जब पहले माइनस रखेंगे एक्स से तब ये पॉजिटिव आएगा, तो ये निगेटिव है लेकिन मॉड में है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव हो, तो निगेटिव पॉजिटिव तब होगा जब उसके पहले माइनस आ जाए, तो इसका मतलब यह एक्स स्वयं में निगेटिव है और इसके पहले माइनस लगा देगा तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव है तब मॉड आप लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं, लेकिन इसमें वैसा नहीं है क्योंकि इसमें मॉड नहीं है कि मॉड, ये वर्क तब करते हैं जब हमारा मॉड को हटाना हो, तो ये वैल्यू अब यहाँ से ये आ गया माइनस वन, माइनस वन आ गया, तो यह जीरो का लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आए, अब जीरो का राइट हैंड लिमिट, तो इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो देन एफ एक्स, और फिर आप देखें कि एफ एक्स जब जीरो से ग्रेटर इसका मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो या निगेटिव इस पर इसकी वैल्यू नहीं है, जीरो है तो एक है और जीरो ना हो तो चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो सबके लिए यही है, तब हमारा इसकी वैल्यू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स ऐसा है। तो जब यह एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जब स्वयं में है तो मॉड लगा में तो नो लगा में तो थ्री है उसमें मॉड लगा है तो आप मॉड रखे तो और नो, क्योंकि मॉड रहने पर भी माइनस थ्री है तो मॉड का मतलब है कि उसका मतलब प्लस थ्री से है। अब हमारा स्वयं जब पॉजिटिव रहेगा तो हमारा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन ऐसा होगा। तब हमने एफ एक्स की वैल्यू जीरो पर कंटिन्यूटी दिखाना है, तो एक्स की वैल्यू जब जीरो से लेस रहा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और जीरो से ग्रेटर रहा तो भी, और जीरो पर ये बल ऑलरेडी दिया गया तब हम निकालेंगे एफ जीरो माइनस जीरो, ये जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यह एक्स टेंस टू जीरो माइनस जीरो ऑफ एफ एक्स। अब यह एफ एक्स की वैल्यू रखें और जीरो से कम एक्स हो तो जीरो से कम एक्स हो तब एफ एक्स की वैल्यू माइनस वन, तो यहाँ से ये माइनस वन माइनस वन। अब यहाँ लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स इसमें रहता है, तब एक्स की वैल्यू हम जीरो रखते तो एक्स आए ही नहीं, तो ये वैल्यू आ गया। अब यह जीरो प्लस जीरो, तो यह लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो प्लस जीरो ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वो वैल्यू रखें जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो, तो एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो तब एफ एक्स की वैल्यू वन। और फिर यहाँ लिमिट हमने नहीं लिखा है क्योंकि जब एक्स रहता तब हम एक्स की जगह जीरो लिखते तो एक्स नहीं है इसलिए सीधे आ गया। तो अब आप देखो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन और जीरो पर राइट हैंड लिमिट वन, ये स्वयं दोनों इक्वल नहीं है और जीरो पर इसकी वैल्यू हमारा वन है, तो यानी ए जीरो पर आपका वन और यह जीरो पर ये दो इक्वल है, जीरो पर राइट हैंड और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू, तो ये राइट कंटिन्यूअस तो होगा। राइट कंटिन्यूअस तब होता है कि राइट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल ही है। तो यहाँ एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू एफ जीरो इक्वल टू वन ऐसा है। देखिए जीरो पर राइट हैंड लिमिट और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू ये दोनों वन है, लेकिन ये जो एफ जीरो माइनस जीरो है ये नॉट इक्वल टू एफ जीरो, इसकी वैल्यू आया है माइनस वन और इसकी वैल्यू आया है वन, एफ जीरो पर वन है। तो ए लेफ्ट हैंड लिमिट एफ जीरो के इक्वल नहीं आया, तो जब ये भी इक्वल आ जाता इसके इक्वल यह भी इसके इक्वल ये भी, तो तीनों इक्वल हो जाता तब कंटिन्यूअस हो जाता। तो एक कंटिन्यूअस तो नहीं है लेकिन राइट हैंड कंटिन्यूअस है, क्योंकि राइट हैंड कंटिन्यूअस में केवल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ की वैल्यू जिस पर आपको कंटिन्यूटी देखना है। तो विच शोज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द राइट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बट नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ए राइट कंटिन्यूअस तो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि राइट कंटिन्यूअस और लेफ्ट कंटिन्यूअस ये जब दोनों रहेगा तब वो कंटिन्यूअस होगा, तो ये लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जब लेफ्ट कंटिन्यूअस राइट कंटिन्यूअस दोनों होता तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता। तो ये हमारा इस तरह का, तो मार्ड के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कैसे मार्ड को हटावें इस प्रोसीजर को मैंने प्रयास किया कि आप समझ जाएं, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो। एक ये थ्योरम है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, तो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूटी तो बाद में पहले देखेंगे, पहले कांस्टेंट फंक्शन क्या है उसको डिफाइन करें। तो यदि हमारा कोई एक फंक्शन है और उसके डोमेन की, जैसे हमारा यह एक डोमेन लिया गया और यहाँ हमारा यह कोर डोमेन है, तो इसका कोई एक पॉइंट लें, इसके जितने भी पॉइंट हैं इस सेट के जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट का एक ही इमेज हो तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन। अब सपोज कर लिया कि इसके जितने भी पॉइंट है सबका इमेज एक ही आ रहा है और वो हमारा सी है, तो एफ इज कांस्टेंट फंक्शन दिस इंप्लाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी इज कांस्टेंट। अभी देखिए कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन किया गया, तो कोई भी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन तब होता है कि जो डोमेन के जितने पॉइंट हैं सबका इमेज एक ही पॉइंट मिले तब हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा।
तो इसका इमेज कोई एक कोई मिलेगा, तो जो आया उसका हमने एक नाम दे दिया कि वो हमारा सी है। तो एफ इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, दिस इंप्लाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन आर, एफ एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। अब एक कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या है, इसको हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब आप देखें, हमको ये दिखाना कि यदि कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूस हो, तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम ये देखते हैं कि कोई क्वेश्चन रहता है तब देखते हैं कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। लेकिन यहाँ हमारा कोई ये देख रहे हैं कि यह कोई क्वेश्चन, कोई एक फंक्शन नहीं दिया गया है, हमारा ये जनरल एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तब इसके लिए कंटिन्यूटी को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे हमको फंक्शन को दिखाना है कंटिन्यूअस, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के पहले एक चीज और समझना पड़ेगा कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस, जैसे हमारा फंक्शन है और वो ए पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि अब ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ए, ये तीनों इक्वल हो तो हमारा वो उस पॉइंट पर फंक्शन होगा। या दूसरा, जब हम कोई भी यह ए पर कंटिन्यूटी देखना हो तो यह ए और इसका यह इमेज एफ ए ऐसा हो, और तब यहाँ कोई डिस्टेंस यदि ले एप्साइलन, यह कोई डिस्टेंस ले, तो इसके लिए यहाँ आपको एक डिस्टेंस मिलना चाहिए, यह डेल इससे डिनोट करते हैं, यह ए से डेल डिस्टेंस आगे और डेल इसके बीच में जो एक्स हो, ये एक्स इसका जो एफ एक्स आव है वो आपका जो पहले से लिया गया है इसके बीच ही एफ एक्स आवे की एफ एक्स और माइनस एफ ए इसके बीच का डिफरेंस जो डिस्टेंस लिया गया उससे कम हो, तो कंटिन्यूटी देखने का यही हमारा तरीका है। तो ये तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस दिखाना हो तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया वो किसी पॉइंट पर नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि सो दैट द कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये एक पॉइंट पर नहीं कह रहा, वो फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो और वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, इन दोनों में क्या फर्क है। तो जब किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ तो कंटिन्यूटी के हम कंडीशन को देखेंगे वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, लेकिन फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो जाए ये तब होगा जब वो हर पॉइंट पर जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड है, तो डोमेन के हर पॉइंट पर जब वो कंटिन्यूअस हो जाएगा तब कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ तो फंक्शन सिर्फ उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस, लेकिन वो यदि उस इस डोमेन सेट के हर पॉइंट पर जब कंटिन्यूअस हुआ तब कहेंगे कि यह फंक्शन ही कंटिन्यूअस है। तो यहाँ किसी पॉइंट पर नहीं कह रहा है कि वो फंक्शन ही कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो जाए यानी हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं कि इस सेट का कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें और तब दिखाते हैं कि उस आर्बिट्ररी पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो जैसे उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिखा लिया वैसे उस सेट के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिखा लिया, और जब उस सेट के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया तो फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो गया, यानी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमको उसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेना होगा और उस पर कंटिन्यूअस दिखाना होगा, और सिमिलर पैटर्न पे उस सेट के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हम दिखा लेंगे, दिखा सकते हैं। तब जब हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया तब वो फंक्शन एक पॉइंट पे नहीं रहा, तो वो पूरा फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो गया। तब हम क्या करते हैं कि कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं टू शो एफ इज कंटिन्यूअस वी टेक एन आर्बिट्ररी पॉइंट ए belongs to R. We take an arbitrary point A belongs to R and we shall show that function fx is continuous
एट एक्स इक्वल टू ए, और हम क्या करेंगे कि एक्स इक्वल टू ए पर ए कंटिन्यूस हो जाए। तो अब ए पर कंटिन्यूस हो तो जब क्वेश्चन प्रॉब्लम रहता है तब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स लेफ्ट जिस पॉइंट पे है उस रेंज में क्या है, राइट में है क्या है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए वैसे क्वेश्चन के लिए हम ऐसा वर्क करेंगे। तो अब आप देखें कि हमारा जो यह सेट है इसी का कोई एक पॉइंट हमने ए लिया, इसलिए ए का एफ इमेज लेंगे तो उसको डिनोट करेंगे एफ आई एस, लेकिन यह एफ आई ए की वैल्यू जो हो गया इसके हर पॉइंट का एक ही इमेज आ रहा है सी, तो एफ आई ए की वैल्यू भी सी आएगी। तो अब हमको करना ये है कि इस सी पर एफ ए पर यह एफ ए जो हुआ यहाँ एक कोई डिस्टेंस ले एप्साइलन, और तब यह ए पर एक डिस्टेंस हमको मिल जाए डेल, इसके अंदर के जितने भी पॉइंट हो उसका एफ इमेज और ए का एफ इमेज दोनों का डिफरेंस जो यह एप्साइलन लिया उससे कम आ। तो अब हम क्या करते हैं कि यही एप्साइलन लें, तो we take yeah for any epsilon greater than zero we can take any del greater than zero such that when mod of x minus a less than del imply f x minus f a। अब देखें आप यू आई ए पर कोई डेल, डेल हमेशा जो यहाँ जो डिस्टेंस मिलता है जिस पर कंटिन्यूटी देखना होता है उसको डेल, और यू एफ आई ए पर जो लेते हैं उसको एप्साइलन ऐसा डिनोट करते हैं। तो ये पर कोई डेल ले या ये को नहीं जो भी ग्रेटर देन जीरो डेल ले उन सब के लिए ए से इस डेल से जितने भी एक्स लेस होंगे उनका एफ एक्स और एफ आई ए इसकी वैल्यू देखेंगे तो एफ एक्स इस पूरे सेट के लिए हर एक्स का एफ इमेज एक ही है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन। तो यदि यह एक्स लें यह एक्स तो इस यक्ष का भी इमेज आपका यही सी देगा, और यह ए है इसका भी यह इमेज वही सी देगा। तब आपको यहाँ से मिला यह सी माइनस सी, इसमें एक ही टेल के लिए नहीं जो भी टेल ले इसके अंदर जितने यक्ष होंगे उन सबका एक ही इमेज आएगा सी। तब हमको एक टेल नहीं हमको तो इसमें कोई टेल ले लोगे सभी टेल के लिए आपका एफ एक्स माइनस एफ ए ये सी माइनस सी और यह वैल्यू आ गया जीरो। तब हमको क्या दिखाना है कि इस ए के लिए एक ऐसा डेल मिले कि इस ए से डेल डिस्टेंस के अंदर जो यक्स हैं उनका एफ एक्स और एफ ए लेस देन एप्साइलन, लेकिन एफ एक्स माइनस एफ ए क्या आया है जीरो, और एप्साइलन क्या लिए हैं जीरो से ग्रेटर। इसका मतलब जब इसकी वैल्यू जीरो आया और एप्साइलन को हमने जीरो से ग्रेटर लिया है तो इससे ये वैल्यू लेस हो गया। तब हमें देखा और यह एक ही टेल के लिए नहीं तुम इसमें कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो इसके बीच के सारे पॉइंट का एफ इमेज केवल सी ही आएगा कांस्टेंट होने के नाते। तो जब इस हर एफ एक्स का सी ही आया और एफ ए का भी सी ही है तो जब दोनों सेम हुआ तो इसका डिफरेंस हमारा जीरो आ गया, और ये जो यहाँ डिस्टेंस लेते हैं वो जीरो से ग्रेटर लेते हैं। तो इसका मतलब इस हर डिस्टेंस के लिए यहाँ आपको एक डिस्टेंस जो चाहे ग्रेटर देन जीरो लेना वो कोई फाइनाइट डेल लेंगे तो उसके अंदर जो भी एक्स आएगा उसका एफ इमेज और एफ ए इसका डिफरेंस जीरो आ रहा है, और जीरो हमारा एप्साइलम से लेस होगा क्योंकि एप्साइलम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गया। तब हमने देखा कि फंक्शन हमारा ए पर क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। तो विच शोज दैट
एफएक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफएक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए, ए पर लिया गया है, एक्स इक्वल टू ए पर यह कंटिन्यूअस हो गया, और ए कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, उस सेट का कोई पॉइंट अलग है। इसका मतलब जैसे एक पॉइंट ए पर दिखाया वैसे इस सेट के हर पॉइंट पर इसी तरह से दिखा सकते हैं कि वो हमारा कंटिन्यूअस है। तो जब सब पर कंटिन्यूअस है इसका मतलब वो फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो गया। तो विच शोज दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए सिंस ए इज आर्बिट्ररी, हेंस एफ हेंस वी कैन शो इन सिमिलर पैटर्न दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ दैट इज एफ इज कंटिन्यूअस तो जैसे आर्बिटरी पॉइंट ही हमने लिया उस पर वो कंटिन्यूअस हो गया, इसी तरह से हम दिखा सकेंगे कि उस सेट के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, और जब सब पे कंटिन्यूअस हो गया तब फंक्शन ही हमारा कंटिन्यूअस हो गया। इस तरह से ये वर्क हमारा कंप्लीट हो गया।